बालोद जिले की विकासखंड डोंडी के सरपंच संघ का चुनाव जनपद सभा कक्ष में हुआ। चुनाव में 60 ग्राम पंचायतों में से 56 सरपंच शामिल हुए, जिस पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें दो सदस्य देवेंद्र सिग्रामी और कोमेश कोराम ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की। दोनों दावेदारों को आपस में एक नाम तय करने के लिए 5 मिनट समय दिया गया, पर दावेदारों में सहमति नहीं बन पाई और सभी सदस्यों ने आपस में विचार विमर्श कर वोट दिया, जिसमें 36 वोट देवेंद्र सिग्रामे को तो वहीं 20 वोट कोमेश कोराम को मिला है। वोट के आधार पर देवेंद्र सिग्रामे को सरपंच संघ डोंडी के नए अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। पीड़ित है कोई अधिकारी के द्वारा या कोई योजनाओं के द्वारा, तो वहाँ पे पूरा संघ का मीटिंग लेकर के कोई भी सरपंच अगर पीड़ित है उस सरपंच को मदद करने का काम, सहयोग करने का काम संघ की ओर से करेंगे।